नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी का और मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह, ये दो ऐसे मसले हैं जिस पर क्या बीजेपी कोई जन जागरण अभियान चलाएगी, क्या संघ सड़क पर उतरेगा, क्या मोदी सरकार 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है इसमें किसी तरह का संविधान संशोधन करेगी। इन सारे सवालों के जवाब नाम है, क्यों है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, राम मंदिर के मसले को संघ भी सड़कों पर लाया था, जन जागरण अभियान भी चलाया था, बीजेपी भी बाद में इसमें उतरी थी 1989 में पालनपुर के अधिवेशन में, जो उसने प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी और सत्ता में आने की दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं थी और बीजेपी को एकमात्र राम मंदिर का ही सहारा था। बीजेपी को लग रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे के सहारे ही पैठ की जा सकती है, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है, पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव से सत्ता में है, 2024 का भी चुनाव जीत रही है, इसमें भी कोई शक अभी तक तो नहीं रह गया है आज की तारीख में। तो ऐसे में बीजेपी स्वाभाविक है क्यों फिर काशी मथुरा को सड़क पर गरमाने की कोशिश करेगी, एक बात ये। दूसरा ये कि बीजेपी अब सीख गई है कि बिना मंदिर के मुद्दे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, लाभार्थियों के सहारे जीता जा सकता है। जितने हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देते उससे ज्यादा लाभार्थी बीजेपी को वोट देते हैं, जिसमें स्वाभाविक तौर पर हिंदू भी शामिल है। तो ऐसे में अब काशी मथुरा की बीजेपी को चुनावी राजनीति के हिसाब से उतनी जरूरत नहीं रह गई है। एक वजह यह भी है कि बीजेपी या संघ इसको गरमाएगा नहीं, कि दोनों ये समझ गए हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक हालात बहुत खराब है, ऐसे में ये मुद्दे और ज्यादा अगर इनको भड़काया गया, सड़कों पर लाया गया और स्थितियां हाथ से निकल गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। एक बीजेपी को लगता है कि जितना हिंदू रेडिकलाइज हो चुका है उससे ज्यादा हिंदू रेडिकलाइज होने वाला नहीं है और उसका अल्टरनेट भी उनके पास उनका है, जो मैंने लाभार्थी योजना के रूप में आपको बताया। तो ऐसे में खामखा सड़क पर या यूं कहा जाए अदालत से बाहर इसको चुनौती देने की जरूरत नहीं है। 50% 55% हिंदू रेडिकलाइज है, इतने से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा देगा भी नहीं, ऐसा मोटे तौर पर बीजेपी आज की तारीख में शायद मानकर चलती है और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और तो क्यों खामखा फिर बर के छत्ते में हाथ डाला जाए, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला जाए। एक बीजेपी को ये भी लगता है या मोदी सरकार को ये भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की छवि धूमिल हो सकती है, खराब हो सकती है, रेटिंग खराब हो सकती है। एक बड़ी संस्था है जो इसकी रेटिंग अभी सामने आने वाली है, वो 5-6 पैरामीटर्स पर रेटिंग करती है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और माहौल कुल मिलाकर क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, अस्थिरता है या अस्थिरता नहीं है, मानवाधिकारों की स्थिति क्या है, तो तमाम ये चीज़ों का आकलन करती है। तो ऐसे में अगर भारत की रेटिंग ये संस्था कम करती है तो विदेशी निवेशक भाग सकते हैं, FDI यानी विदेशी पूंजी निवेश में और ज्यादा कमी आ सकती है, जिसकी आज की तारीख में बहुत जरूरत महसूस की जा रही है और मोदी सरकार अपने लक्ष्य को भी छूने में कामयाब नहीं हुई है। तो बीजेपी का पूरा ध्यान इस तरफ भी है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी भारत की जो है उसको मेंटेन करके चलना है, उसमें गिरावट नहीं लानी है। तो ये कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से साफ लगता है कि बीजेपी या संघ इस मुद्दे को कोर्ट तक सीमित रखेगी। अब बीजेपी के लिए बहुत आसान है, कोर्ट में भी जो बहुत सारे जो फैसले हो रहे हैं वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो लोग मामले को कोर्ट में लेके गए हैं उनके हक में हो रहे हैं। अब देखिए मथुरा का मामला कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि उस पर कार्रवाई, याचिका स्वीकार कर ली है, वहाँ भी महिलाओं ने याचिका लगाई थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला स्तर पर या निचली अदालत की कार्रवाई को रोका नहीं है। 1991 के एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जो नेचर है उसके बारे में जानना वो एक्ट का उल्लंघन नहीं है। इसी तरह मथुरा के मामले में कहा जा रहा है कि 1968 में ज्ञान
1968 में जो कृष्ण जन्म स्थान है और ईदगाह के बीच में जो करार हुआ था तो उससे ये मामला सुलझ गया था उस तारीख में, तो लिहाजा 1991 का एक्ट इस पर अमल नहीं होता मथुरा वाले मामले में। तो बीजेपी को लगता है कि जब कोर्ट में चल रहा है तो चलने दीजिए, कोर्ट के माध्यम से चीज़ें सामने आने दीजिए और कोर्ट के माध्यम से ही चीज़ें गर्म होती हैं तो होने दीजिए, लोगों में भावनाएं जागृत होती हैं होने दीजिए, हम क्यों बीच में कूदें, हम क्यों इसमें पार्टी बने। जनता है, हिंदू है और उनमें ये इस तरह का जो हिंदुत्व की भावना गहरी हुई है ये अपने आप कोर्ट का मसला आएगा, टेलीविजन चैनल दिखाएंगे, दिन भर बहस होगी, इससे माहौल पर माहौल बनता जाएगा और बीजेपी कह सकेगी या मोदी सरकार कह सकेगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की कि हम अपनी तरफ से कोई भूमिका नहीं निभा रहे, 1991 के एक्ट में कोई संशोधन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ताजमहल के मामले में ASI कह ही चुका है कि उन 22 कमरों में कुछ नहीं है। कुतुब मीनार के मामले में मोदी सरकार के ही एक मंत्री महेश शर्मा ने 2015 में लोकसभा में कहा था कि कुतुब मीनार को लेकर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कुतुब मीनार किसी हिंदू ने बनाई थी या कभी हिंदू मंदिर या हिंदू स्मारक हुआ करती थी। तो ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ से केंद्र सरकार स्पष्ट कर ही चुकी है, बार बार स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा वो बच भी जाएगी कि सीधा कूदे उसमें वोट अपने आप मिलता ही जाएगा। काशी मथुरा के कारण बीजेपी चुनाव नहीं जीती है और आगे का चुनाव भी काशी मथुरा के कारण नहीं जीतेगी, जिसकी और दूसरी वजह है, लाभार्थी योजना से लेकर राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व जो अब तक फैल चुका है और पोलराइजेशन जो हो चुका है वो बड़ा आधार बनता रहा है। विपक्ष बिखरा हुआ है और ज़्यादा बिखरेगा विपक्ष और ज़्यादा टूट फूट होगी कांग्रेस में और ज़्यादा उनके नेता भागेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी परिस्थितियाँ जब अपने हक में है तो फिर क्यों कूदा जाए, संघ को भी ऐसा ही लगता है। तो देखते हैं कि कहानी कहां तक जाती है, किस रूप में जाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।